वहीं कोरोना का ग्राफ बढ़ते ही ब्लैक फंगस के मामले भी आने लगे हैं। बीते एक महीने में प्रदेश में 4 मरीज सामने आ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये कोरोना इफेक्ट है या फिर कारण कुछ और हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। ब्लैक फंगस का फिर बढ़ा खतरा, कोरोना बढ़ते ही बढ़ने लगा आंकड़ा। कोरोना के रंग बदलते ही अब ब्लैक फंगस का भी डर सताने लगा है। दहशत इसलिए क्योंकि पिछले एक महीने में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आ चुके हैं। अलग अलग जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। किसी की नजर में खतरे की आहट है तो कोई इसे बरसात में होने वाला फंगस मान रहा है। एक्चुअली तो कोविड नहीं कहा जा सकता क्योंकि बरसात के सीजन में फंगल डिजीजेज होती हैं, और जब कोविड नहीं हुआ था तब भी ब्लैक फंगस होता था, ऐसा नहीं था कि ब्लैक फंगस नहीं था। और ब्लैक फंगस होने का लोगों में रेजिस्टेंस की कमी, क्योंकि उस समय कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए गए, नेजल ऑक्सीजन लगाई गई, लोगों के खुद की हाइजीन वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और बरसात में ख़ासतौर से फंगल डिसीजेज जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो एक तो वो कारण हो सकता है, दूसरा कारण यदि हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो भी फंगस ग्रो करते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि जो कोविड से अफेक्टेड रहे हैं और जिन्होंने हाई डोजेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ली हैं या जिनको जो वेंटिलेटर्स पर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को यदि रेसिडुअल कहीं फंगस रह गया हो और वो अब ग्रो कर रहा हो, दैट कुड बी वन रीजन। खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दूसरी लहर में करीब 1000 मरीज सामने आए थे और करीब 250 मरीजों की मौत हो गई थी, इसीलिए लोग ब्लैक फंगस को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि पहले और अब में बड़ा फर्क है, अब न सिर्फ अस्पतालों में भीड़ कम है बल्कि इलाज भी आसान हुआ है, इसीलिए एक्सपर्ट्स भी पैनिक नहीं होने की सलाह दे रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। देखो, ये जो भी खतरे हैं वो वैश्विक हैं, केवल मध्य प्रदेश के या भारत के नहीं हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और मुस्तैदी, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं हुई, दुनिया में हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रबंधन उन्होंने किया कोविड के दौरान, इसलिए आने वाले दिनों में भी कोई खतरा है। एक ठोकर हम खा चुके हैं, संभल कर काम कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। मुझे लगता है कि जो भी खतरे आएंगे उनसे निपटने में मध्य प्रदेश सक्षम है। कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने लापरवाही करी, सैकड़ों लोगों को ब्लैक फंगस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी और फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ब्लैक फंगस के मामले आना प्रारंभ हो गए, लेकिन सरकार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, किसी तरह की सतर्कता नहीं बरती जा रही है, और किस तरह से ब्लैक फंगस को बढ़ने से रोका जाए इसके लिए सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार का ये गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं ब्लैक फंगस की टेस्टिंग के लिए जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था की जाए और साथ ही इस मामले में सरकार द्वारा टास्क फोर्स बनाकर जल्द से जल्द कदम उठाया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस का खतरा किन मरीजों को ज्यादा है। तो हाई ब्लड शुगर वालों को खतरा ज्यादा रहता है, ज्यादा स्टेरॉइड लेने पर भी फंगस होता है, कमजोर इम्यूनिटी वालों को भी ब्लैक फंगस हो सकता है, यानी ऐसे लोगों को तो खास अलर्ट रहने की जरूरत है। सतर्क इसलिए भी क्योंकि प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। जून में 1878 मरीज मिले थे, जुलाई में 5380 मरीज मिले, आधे मरीज इंदौर और भोपाल में हैं। जुलाई में 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, पिछले 2 दिन में 4 की मौत हुई। हालांकि पॉजिटिविटी रेट अच्छा है, लोग जल्द ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन अगर लक्षण दिखने पर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना को हल्के में लेना घातक हो सकता है। वैसे भी जानकारों ने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया है कि ब्लैक फंगस का अभी कोरोना से कोई कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। जिस प्रकार से मरीज सामने निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस के अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग इन सभी मामलों पर एक बार फिर से रिसर्च कर रहा है। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि वे अपनी सावधानी स्वयं बरतें, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। विजिलेंस अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।
अब इसमें खबर तो यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाही बढ़ गई, कोरोना को लोग भूलने लगे, इसी वजह से कोरोना फिर से बढ़ने लगा है और अब तो तीसरा डोज सरकार लगवा रही है। तो लोगों से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी जाकर अपना तीसरा प्रिकॉशनरी डोज भी लगवा दें, लापरवाही ना करें।